आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, नए भारत का नया दूरदर्शन। कौशल के द्वारा ही हम 21वीं सदी के नए भारत की नींव रख सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन के इस युग में स्किल इंडिया मिशन बदलते समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सिर्फ युवाओं के रोजगार और स्वरोजगार से नहीं जुड़ी है, बल्कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी महत्वपूर्ण मिशनों से भी जुड़ी है। आज ये हजारों युवाओं की जिंदगी बदल रही है। कौशल से सफलता की ये कहानी आपको प्रेरित करेगी। आइए देखते हैं। देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था के बीच ऑटोमोटिव इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण इस क्षेत्र में स्किल्ड वर्कफोर्स की बहुत जरूरत है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को स्किल्ड वर्कफोर्स मिले और युवाओं को रोजगार के अवसर मिले, इसके लिए एनएसडीसी की देखरेख में ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल यानी एएसडीसी युवाओं को अलग अलग जॉब रोल में प्रशिक्षण देने का काम कर रही है। एएसडीसी ने देश की लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के साथ मिलकर हरियाणा के धारूहेड़ा स्थित हीरो के टू व्हीलर प्लांट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गुरुकुल की स्थापना की है। नॉर्मली 10th पास स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं और ये डुअल मोड ऑफ एजुकेशन में ज्वाइन करते हैं। जो डुअल मोड ऑफ एजुकेशन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मॉडल है। इसमें हम लोग उनको स्टाइपेंड देते हैं। ये स्टूडेंट्स जो है इनिशियल इंडक्शन के बाद प्लांट में प्लेस किए जाते हैं, जहाँ डिफरेंट लोकेशंस में, जहाँ पे 8 घंटा वो अनजब ट्रेनिंग में रहते हैं और 2 घंटा एवरी डे गुरुकुल को आते हैं, जिसमें कि ड्रॉप बाय ड्रॉप इनकी नॉलेज एंड स्किल को एनहांस किया जाता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गुरुकुल में युवाओं को वेल्डिंग, मशीनिंग, व्हीकल असेंबली और व्हीकल सर्विसिंग, पेंटिंग समेत 20 जॉब रोल में ट्रेनिंग दी जाती है। कौशल प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को 2 घंटे गुरुकुल में क्लासरूम ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें 30 मिनट की थ्योरी पढ़ाई जाती है और 1.5 घंटा क्लासरूम प्रैक्टिकल कराया जाता है। 8 घंटे युवाओं को प्लांट में ऑन फ्लोर ट्रेनिंग दी जाती है। मैंने यहाँ पर पूरी बाइक को असेंबल करना, डिसमेंट करना, पूरी तरह से खोल देना और उसको वापस से जोड़ना सबसे मेन कारण ये होता है, और दूसरा इंजन को कंप्लीट खोल के वापस जोड़ना, कैसे क्या वर्क करता है, एक एक चीज़ सारी वायरिंग संबंधी हो गई, कोई भी बॉडी लाइन संबंधी हर चीज़ यहाँ पर सिखाया गया है। गुरुकुल में ट्रेनिंग को बेहतर बनाने के लिए हर तरह की सुविधाएं युवाओं को प्रदान की गई हैं। कुशल प्रशिक्षकों की देखरेख में युवा यहां पर प्रशिक्षण हासिल करते हैं। 1 साल के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 10वीं पास युवाओं का चयन किया जाता है, जिसमें 6 महीने उन्हें कोर स्किल सिखाई जाती है और उसमें कुशलता हासिल करने के बाद उन्हें 6 महीने के कंप्यूटर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल और सेफ्टी की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो पूरी तरह से इंडस्ट्री में जॉब के लिए रेडी हो सके। यहाँ पे आप देखेंगे तो बेसिकली हमारे पास वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनका पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, जिन्होंने बेसिक क्वालिफिकेशन तो कर रखा है लेकिन उसके बाद उनके घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो आगे पढ़ सके, तो उन बच्चों को हम एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं और कई तरह की ट्रेनिंग, जैसे कि मशीनिंग रिगार्डिंग क्वालिटी और हमारे प्रोडक्शन में जितने भी तरह के हमारे कुछ सेंसर्स लगे, पोकयो के लगे, उन सभी के बारे में डिटेल में हम बताते हैं। इसके अलावा सेफ्टी की ट्रेनिंग्स, हमारे जो जनरल इंस्पेक्शन की ट्रेनिंग, वो सारी चीज़ें भी हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। ये सारा हम शुरुआत में प्लांट में जाने से पहले करते हैं, ताकि वो बच्चा जब काम करने के लिए किसी प्लांट में या किसी और कंपनी में भी जाए तो उसको बेसिक पता हो, तो प्रैक्टिकल पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं। इस ड्यूअल मोड ऑफ ट्रेनिंग का फायदा युवाओं को ये भी होता है कि जब युवा इंडस्ट्री में काम करते हुए सीखते हैं तो उन्हें वर्क कल्चर, अनुशासन, लाइफ स्किल्स और इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में भी जानने का मौका मिलता है, जो उनके करियर ग्रोथ में मदद करता है। तो जब मैंने एएसडीसी ज्वाइन किया, फिर मेरे को 6 दिन की यहाँ पे ट्रेनिंग मिली, जिसमें 5S की, सेफ्टी की, प्लांट में कैसे होता है, यहाँ पे इंजन कैसे खुलता है, बनता है। तो मैं जब पहले तो मेरे को यही लगता था कि हाँ एक बाइक है, सिर्फ मैं बाइक को देखती थी, पर अब मैं उस बाइक को खोल के बांधना, इंजन, बाइक का इंजन पूरा खोल के बांधना, उसकी सर्विस करना, ये सारी चीज़ें सीखी। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का प्रयास है कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में लड़कियाँ भी अपने लिए करियर के ऑप्शन तलाशें।
यही कारण है कि गुरुकुल में लड़कियों को खास तौर पर प्रोत्साहित किया जाता है। हमने काफी पहले समझ लिया था कि बिना महिलाओं की भागीदारी, पार्टिकुलरली सॉफ्ट फ्लोर पर बिना भागीदारी के बिना हम इस मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो आप अगर देखिए कि पिछले विगत 3-4 सालों में हमने कम से कम 400-500 महिलाओं को इंगेज किया है और हमने इंगेज करके उनको ट्रेन किया है, उनके स्किल को बढ़ाया है, उनके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को बढ़ाया है। आज मुझे कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो हमारे जो ट्रेनिंग है उसमें कुछ विभाग ऐसे हैं जो महिलाओं द्वारा ही लीड किए जाते हैं। अगर मैं देखूं तो जो बहुत ही ट्रेडिशनल होता है कि सॉफ्ट फ्लोर पर महिलाओं की भागीदारी काफ़ी कम होती है, इस दिशा में भी हमने काफ़ी अच्छी पहल की। हमारे सॉफ्ट फ्लोर पर अगर आप आएँ तो जो असेंबली लाइन है उसमें काफ़ी अच्छी संख्याओं में महिलाओं की भागीदारी है। इसी का नतीजा है कि यहाँ से ट्रेनिंग वाली लड़कियों ने इंडिया स्किल्स कॉम्पिटिशन में भी अपने कौशल का लोहा मनवाया है। कुछ साल पहले जब हमारे फर्स्ट फीमेल स्टूडेंट आई थी यहाँ पे, सो सी प्रूव्ड कि गर्ल्स भी स्किलिंग में आ सकते हैं। फिर हमारे यहाँ से वेल्डिंग स्किल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया गर्ल्स ने, और जो नेशनल वेल्डिंग चैंपियन है गर्ल है। हमारे वेल्डिंग के जो ट्रेनर है वो भी फीमेल है, एंड एंटायरली आपने देखा होगा बहुत सारे फीमेल जो है वेल्डिंग को अपना स्किल लिए हैं। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था, 3 वेल्डिंग चैंपियंस बेस्ट वेल्डिंग कंपटीशन में वुमेन है, और मेरा जो वर्टिकल हेड है जो मशीनिंग स्किल्स में वो भी वुमेन है। इनफैक्ट हमारे जो व्हीकल सर्विसिंग स्किल्स की वर्टिकल हेड है वो भी वुमेन है। तो उनको देख के बाकी लोग एस्पायर्ड होते हैं कि मैं भी ज्वाइन करूं और मैं भी इनके जैसे बनूं। प्रशिक्षण के बाद ESDC का प्रयास रहता है कि हीरो मोटोकॉर्प के सहयोग से गुरुकुल में प्रशिक्षित युवाओं को जॉब का अवसर मिले, इसके लिए प्लेसमेंट भी करवाई जाती है। इसी का नतीजा है कि यहाँ से पास आउट स्टूडेंट्स देश की लीडिंग ऑटोमोटिव कंपनीज में अच्छी सैलरी पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो युवा किसी दूसरे ट्रेड में कौशल प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अपस्किलिंग का भी मौका दिया जाता है। हायर एजुकेशन में जाने के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। वेल्डिंग सीखने के बाद मैं अपना भी काम कर सकती हूँ वैसे तो, और मेरे को देख के बाकी लड़कियों को भी यह सीखना चाहिए कि वो भी एक कोर्स करे, आके यहाँ पे कुछ सीखे, उनके लिए अच्छा होगा, वो भी कुछ कर पाएंगे, आगे अपने पैरों पे खड़ी हो पाएंगी। ESDC और हीरो मोटोकॉर्प के जरिए चलाया जा रहा गुरुकुल कौशल विकास केंद्र ऑटोमोटिव सेक्टर में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। ये एक ऐसा सेंटर है जहां युवा न सिर्फ अपने को अपग्रेड करते हैं बल्कि आमदनी करके अपनी आर्थिक स्थिति में भी सुधार करते हैं। ये प्रयास है युवाओं को एक दिशा प्रदान करने का, ताकि वो कौशल विकास हासिल करके देश की प्रगति में अपना पूरा सहयोग दे सके। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर, और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं DD नेशनल, नए भारत का नया दूरदर्शन।